आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाउटनेट। हमारा आज का जो क्वेश्चन दिया गया है वह है कि एलोजेनिक अनुक्रमण किसे कहते हैं। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो क्या होता है कि जब एक समुदाय जो समुदायों के जो प्रभाव रहते हैं, ठीक है, इसके अलावा कई जो बड़े पैमाने होते हैं, एक तो पर्यावरण के समुदाय रहते हैं तथा कई बड़े पैमाने होते हैं, तो वह क्या करते हैं, वह उन पैमानों पर जो दूसरे समुदाय रहते हैं क्या कर लेते हैं, वह जो दूसरे समुदाय रहते हैं उन दूसरे समुदाय की जगह ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, उन दूसरे समुदाय की जगह ले लेते हैं। और जब वह दूसरे समुदाय की जगह ले लेते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है एलोजेनिक अनुक्रमण। क्या कहा जाता है उन्हें, उन्हें कहा जाता है एलोजेनिक अनुक्रमण, ठीक है। और क्या होते हैं, यह जो एलोजेनिक अनुक्रमण होते हैं इसमें क्या होता है, जो समुदाय रहता है वह क्या करता है, जो भीतरी तथा भौतिक कारक जो होते हैं, क्या होते हैं, जो भीतर के जो भौतिक कारक होते हैं उन कारकों द्वारा वह संचालित होता है, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एलोजेनिक जो अनुक्रमण होता है वह अजैविक कारक द्वारा क्या होता है, संचालित होता है। जैसे कि क्या क्या हो गया, जैसे कि ज्वालामुखी, क्या हो गया, जैसे कि ज्वालामुखी के बाद फिर दूसरे समुदाय की जगह ले लेना, ठीक है, फिर बाढ़, या फिर जो जंगल में जो आग लग जाती है, क्या लग जाती है, जंगल में जो आग लग जाती है उसके बाद, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के बाद सूखा, ठीक है, गैर मानव जनित जलवायु परिवर्तन, ठीक है, लीचिंग या मिट्टी का कटाव इत्यादि, ठीक है। तो यह है हमारे प्रश्न का उत्तर कि एलोजेनिक अनुक्रमण किसे कहते हैं। आशा है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।